दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपने मोबाइल के मींस अपने एंड्रॉयड मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं एमआई का रेडमी का मोबाइल यूज़ कर रहा हूं दोस्तों, तो आप इसके अगर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं, पूरे के पूरे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको किसी ना तो किसी वाईफाई जोन में चले जाना है। अगर आप अपने डाटा से इसे अपडेट करने जाएंगे तो दोस्तों इसमें कभी कभी एक डेढ़ जीबी से ज़्यादा कभी कभी डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पर आपके मोबाइल में ही सिर्फ अगर डेढ़ जीबी डाटा रहेगा तो फिर ये अपडेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, या फिर पूरा पूरा डाउनलोड नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो कोई वाईफाई का जोन चूज़ कर लीजिए जहां पर आपको फ्री वाईफाई अवेलेबल हो। आपके फैमिली फ्रेंड या फिर आपके कहीं रिलेटिव्स के घर पर अगर जाते हैं वहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिलता है, तो आप उनके वाईफाई को यूज़ करके इस सॉफ्टवेयर को, इस पूरे एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के लिए दोस्तों आपको ऊपर से एक बार नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम टॉप के टॉप पे दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गियर टाइप का एक ऑप्शन दिखाया हुआ है जो कि वो सेटिंग का ऑप्शन है दोस्तों। आप जैसे ही वो गियर के ऊपर क्लिक करते हो या फिर जैसे ही वो सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करते हो, आपके सामने पूरा का पूरा एक सेटिंग का एक नया पेज ओपन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही आप सेटिंग का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर सबसे पहले टॉप पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड अबाउट माय फ़ोन में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अबाउट फ़ोन के बारे में मीन्स आपके मोबाइल के अंदर कितना मेमोरी है, कितना स्टोरेज है, कितना क्या है, आपका कौन सा एंड्रॉयड वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, आपका सिक्योरिटी पेज कौन सा है, आपका मोबाइल का स्पेसिफिकेशंस क्या है, बैकअप रिस्टोर डाटा रिफैक्टरी, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आप अपने एमआई मोबाइल का अपडेट वर्जन जो है मींस एमआई मोबाइल का जो कुछ भी आपका सॉफ्टवेयर जो अपडेट करना चाहते हो, उसके लिए जस्ट आपको एमआई यूआई जो यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये वाला जो है, इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है, या तो फिर ये दोनों के दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है तो यहाँ पर दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जस्ट देखिए, यहाँ पर जस्ट मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये क्या कर रहा है, अपडेट चेक कर रहा है कि कोई अपडेट आया हुआ है क्या मेरे मोबाइल के लिए। तो यहाँ पर देखिए, कोई अपडेट आया हुआ तो नहीं है फिलहाल, ये स्टेबल दिखा रहा है, मीन्स ये जो अभी फ़िलहाल जो मेरे मोबाइल के अंदर जो अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर अभी कोई अपडेट आया हुआ नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको एक बार और चेक करना है तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स में वापस आप क्लिक कर सकते हो, तो वापस से चेक करके बताया कि अभी फ़िलहाल कोई अपडेट आया हुआ नहीं है, और आपके मोबाइल के अंदर जो कोई भी अपडेट है MIUI 12.0.2.0 जो ये है, ये काफ़ी अभी लेटेस्ट अपडेट है और आप अभी फ़िलहाल लेटेस्ट अपडेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो आप कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर अपना एंड्रॉयड मोबाइल में कौन सा आप वर्जन एंड्रॉयड वर्जन आप यूज़ कर रहे हो और उसे किस तरीके से अपडेट किया जा सकता है और कैसे आप चेक कर सकते हो, वो चीज़ आप इस तरीके से जान सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के द्वारा इस वीडियो में पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।